फ्रेंड्स, आई एम दीप, अ वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट क्लास टू साइंस। द चैप्टर नेम इज थिंग्स अराउंड अस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास टू के साइंस के फर्स्ट चैप्टर थिंग्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स अराउंड अस कहने का मतलब हम लोगों के चारों ओर जो चीजें पाए जाते हैं उनके बारे में। तो इस चैप्टर के बाद चैप्टर में हम लोग नेचुरल थिंग्स मीन्स जितने भी गॉड के द्वारा चीजें हमको ईश्वर के द्वारा मिली है उनके बारे में, जो मैनमेड थिंग्स जो इंसान जिनको बनाया है उनके बारे में, और हमारे चारों ओर के पदार्थ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस कंप्राइसेस ऑफ मैनी थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, टेबल, चेयर, इटीसी। हमारा संसार बहुत सारे वस्तुओं से भरा पड़ा है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, टेबल, बेबी। ये सारे क्या है, इन सारे चीजों से हमारा संसार भरा पड़ा है। सम थिंग्स आर लिविंग व्हाइल सम थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें से कुछ लिविंग थिंग है एंड कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। ये प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स लिविंग थिंग्स, टेबल नॉन लिविंग थिंग्स, बेबी लिविंग थिंग्स, चेयर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। हमारे चारों ओर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं नेचुरल थिंग्स के बारे में। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे चीजों को देखते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। उनमें से कुछ चीज नेचर में मीन्स प्राकृतिक में पाया जाता है। दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स। जो भी चीज प्राकृतिक में पाया जाता है उसको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। दे अकर नेचुरली। उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, उनको कौन बनाता है, गॉड बनाया जाता है। वो खुद ब खुद होता है। जैसे एयर मीन्स हवा। हवा क्या है, नेचुरल थिंग्स है, क्योंकि इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, ये हमको गॉड के द्वारा मिलता है। वाटर, किसी के घर पे वाटर बनता है, नहीं बनता है। वाटर हमको पृथ्वी के अंदर से मिलता है। प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधा है उसका भी क्या है, वो खुद ब खुद होता है, उसको हम लोग नहीं बनाते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स एंड सॉइल आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। देखिए ये क्या है, ह्यूमंस है। ह्यूमंस कहने का मतलब मनुष्य, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या है, नेचुरल थिंग्स। ये क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स भी क्या है, पक्षी, नेचुरल थिंग्स। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सॉइल, देखो पहाड़ वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ होता है। यहाँ पे क्लाउड दिखाई दे रहा है, बादल, फॉरेस्ट में ये सब जंगल दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज तो होते हैं नॉन लिविंग थिंग, इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैन हो गया, बर्ड्स हो गया, सन मिस सूरज, मून मिस चंद्रमा, स्टार्स मिस तारा, ये सारे चीजें क्या है, नेचुरल थिंग्स है। ये खुद ब खुद बना हुआ है, इसको हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है। नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन आर लिविंग थिंग। नेचुरल थिंग्स में जो प्लांट्स है मीन्स जो पौधा है, एनिमल्स है और ह्यूमंस है, ये लिविंग थिंग्स है। हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल थिंग जो आपको हम बताए हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा हमको मिलता है, जिसको हम लोग बनाते नहीं है, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स, इसमें कुछ चीजें हैं जो लिविंग थिंग है। क्या क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, पौधा, जानवर, मनुष्य, ये सारे लिविंग थिंग्स है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन
ऑन दियर ओन, ये क्या करते हैं बढ़ते हैं और क्या करते हैं अपनी संख्या को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, छोटे थे, छोटे से धीरे धीरे क्या हो गया बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होता है, मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जन्म देता है, एनिमल्स भी क्या होता है अपने बच्चे को जन्म देता है, फिर वो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो और भी बच्चे को जन्म देंगे। तो क्या करते हैं वो अपने संख्या को भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। नेचुरल थिंग्स लाइक एयर, वाटर, रॉक्स, सन, मून एंड सॉइल आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जो है एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, रॉक्स कहने का मतलब चट्टान जो बड़ा बड़ा पत्थर सब होता है वो, सन मून एंड सॉइल, सॉइल कहने का मतलब मिट्टी, सन मीन्स सूर्य, मून मीन्स चंद्रमा, ये सारे चीज नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नेचुरल थिंग्स में हम लोग क्या क्या देखें कि कुछ नेचुरल थिंग्स लिविंग थिंग्स है एंड कुछ नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है। दे डू नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स के पास जीवन नहीं होता है, मीन्स वो न बढ़ता है न एक जगह से दूसरे जगह तक वो मूव करता है, न ही उसके पास बेबी होता है। गॉट इट। आगे क्या है, लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ, ग्रो एंड ईट। लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, मीन्स ब्रेथ मीन्स क्या होता है सांस लेना, ग्रो मीन्स वो बढ़ते भी हैं और वो भोजन मीन्स खाना भी खाते हैं। लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ, ग्रो एंड ईट, वाइल जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, ब्रेथ एंड ग्रो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ईट मीन्स खाना नहीं खाते, ब्रेथ सांस भी नहीं लेते और बढ़ते भी नहीं है। तो नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ईट, ब्रेथ एंड ग्रो। नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स, मीन्स वैसी चीजें जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। द थिंग्स विच आर मेड बाई मैन आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। वे सारी चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। मैन मेड थिंग्स किसको कहेंगे, वे सारी चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे लाइक क्या, बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स। बिल्डिंग्स कहने का मतलब भवन, जिस घर जिसमें हम रहते हैं वो भी किसी आदमी के द्वारा बनाया गया। टेबल्स ये भी कोई आदमी ही बनाता है। चेयर्स, बुक्स, हाउसेस एंड मशीन्स, जो भी मशीन होती है ये सारे मशीन किसके द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है मैन मेड थिंग्स के। चेयर देखिए, चेयर क्या है, किसी के द्वारा बनाया जाता है, बढ़ई के द्वारा बनाया जाता है। टेबल भी कौन बनाता है, बढ़ई, बढ़ई क्या है एक आदमी ही तो है, आदमी ही न बनाता। वॉशिंग मशीन ये भी क्या है, जिसमें हम लोग कपड़ा धोते हैं, ये भी एक मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। टेलीविजन कोई आदमी बनाया है। बुक्स भी कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। हाउस भी मनुष्य बनाता है। ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड थिंग्स। इन सबको क्या बोलेंगे, मैन मेड थिंग्स। ओके, एक फैक्ट क्या है, मैन हैज मेड दीज थिंग्स फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। ये सारे चीजें जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसको मनुष्य आराम की जिंदगी जीने के लिए बनाता है, सुखी चैन से रहने के लिए इनको क्या करता है बनाता है। वॉशिंग मशीन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हाथ से कपड़ा धोने में बहुत टाइम लगता है, वॉशिंग मशीन से हम लोग जल्दी कपड़ा धो लेते हैं, तो क्या होता है हम लोग को कंफर्टेबल आरामदेह फील होता है। टेलीविजन क्यों होता है, इसको देख के हम लोग क्या इंटरटेन होते हैं, हम लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं टेलीविजन बनाए हैं। चेयर मतलब अच्छे से आराम से बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं चेयर बनाते हैं। हाउस क्यों बनाते हैं हम लोग, घर क्यों बनाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंडा होगी, बारिश होगी, ये सबसे बचने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग
बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधा, ये सब सारी चीजें नहीं ना बनाते हैं। तो मनुष्य ये सब चीज क्यों करता है? कंफर्टेबल लाइफ होता है, आराम की जिंदगी जीने के लिए वो मैन मेड थिंग्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल अराउंड अस, हमारे चारों ओर के मटेरियल, दे आर वेरियस थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, बहुत सारे चीज है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द मटेरियल्स टू मेक दीज थिंग्स कम फ्रॉम, लेकिन कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि ये सारे मटेरियल कहाँ से आते हैं? लेट्स रीड अबाउट इट, चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सारे मटेरियल कहाँ से आते हैं। ऑल द थिंग्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, जितने भी चीज होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। जैसे टेबल किससे बनता है? वुड से, लकड़ी से बनता है। लेकिन हाउस किससे बनता है? ब्रिक्स, ईंट से बनेगा, सीमेंट से बनता है, और उसमें छड भी होता है, बहुत सारे चीज से बनता है। टेलीविजन क्या हो जाएगा? वो बहुत सारे चीजों से बनता है। तो जितने भी चीज होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, वो अलग अलग चीजों से बनते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल में क्या है? वुड, लेदर, रबर, प्लास्टिक एंड मेटल। कुछ चीजें वुड लकड़ी के बने होते हैं, कुछ लेदर, कहने का मतलब चमड़ा। बेल्ट आप देख ले, देखते होंगे वो किस चीज का बनता है? लेदर। रबर, कुछ चीजें किस चीज का बनते हैं? रबर, मिटाने वाला रबर ले लो, या आप हेयर में बालों में लगाते हैं वो रबर ले ले। और हमारा बलून जो होता है वो भी किसका बनता है? रबर का बनता है। प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें किस चीज का बनता है? प्लास्टिक। हमारा चेयर होता है, टेबल, ये घर के जो चीजें होते हैं वो किसकी बनती है? प्लास्टिक की बनती है। एंड कुछ चीजें किस चीज की बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। मेटल्स में क्या? कुछ लोहे की बनी होती है, जैसे साइकिल जो होता है वो किसकी बनी होती है? मेटल्स का। मोटरसाइकिल किस चीज का बनी होती है? वो भी मेटल्स का। आप सिलाई मशीन देखते होगा, किसका बना होता है? मेटल्स का। वी गेट द मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम नॉन लिविंग। ये सारे चीजें बताएं, वुड, लेदर, रबर, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सारे चीजें कहाँ से हमको मिलते हैं? कुछ चीजें प्लांट्स से मिलती है, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सॉरी रबर हो गया, वुड हो गया, ये किससे मिलते हैं? प्लांट्स से। कुछ चीजें किससे मिलते हैं? एनिमल्स, कहने के मतलब जानवर से मिलती है। एंड सम नॉन लिविंग थिंग, और उनमें से क्या होते हैं? कुछ लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। गॉट इट? यहाँ पिक्चर देखिए, वी यूज वुड टू मेक पेपर एंड फर्नीचर, हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल किस में करते हैं? पेपर मीन्स कागज बनाने में, जैसे कि ये बुक है, कागज का बना हुआ है, ये किससे बनता है? वुड, मतलब लकड़ी से बनता है। घर में का जो भी चेयर टेबल होता है वो भी किसका बनता है? वुड, लकड़ी का बनता है। वी यूज लेदर टू मेक बेल्ट, वॉलेट्स एंड जैकेट्स। लेदर मीन्स चमड़ा का यूज हम कहाँ करते हैं? बेल्ट बनाने में। वॉलेट्स कहने का मतलब पर्स बनाने में, एंड जैकेट्स बनाने में, जो हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में जो जैकेट पहनते हैं वो किसका बना होता है? यस, लेदर का बना होता है। वी यूज रबर टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड बलून्स। रबर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टायर्स बनाने में। साइकिल का टायर आप लोग देखेंगे, मोटरसाइकिल का टायर देखेंगे, वो सब किसका बना होता है? रबर का। इरेजर, जिसको हम क्या करते हैं? गलती होने पे मिटाते हैं, वो भी किसका बनाता है? रबर का। बलून्स, जो हम लोग बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, सजाते हैं जिससे घर को, वो बलून्स भी किस चीज का बना होता है? रबर का बना होता है। वी यूज प्लास्टिक टू मेक मग्स, कॉम्ब्स, बकेट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। प्लास्टिक का यूज हम क्या करते हैं? कॉम्ब बनाने में, कंघी बनाने में, मग, बकेट मीन्स बाल्टी बनाने में, मग को बनाने में, ये सारे चीज को बनाने, ये क्या है? प्लेट। ये सारे चीजों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो प्लास्टिक क्या है? मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल है। उस मटेरियल से हम क्या बना दिए? मैन मेड थिंग्स। ये सारे क्या है? मैन मेड थिंग्स, जो किससे बनते हैं? मटेरियल से बनते हैं। नीचे क्या है? वी यूज मेटल टू मेक अनटेंसाइल्स, ऑर्नामेंट्स एंड कार्स। मेटल का यूज हम लोग क्या बनाने में करते हैं? कार को बनाने में। अनटेंसाइल मतलब बर्तन को बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? मेटल्स। ऑर्नामेंट्स जो भी गहना जेवर होता है वो भी किसका बनाता है? मेटल्स का बना होता है। गॉट इट? ये भी क्या है? बर्तन जो किसका बना है? मेटल का बना होता है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।